फोर पर मैं हूँ आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर पर। जनपद के थाना कासिमपुर पुलिस चौकी गौसगंज क्षेत्र के अंतर्गत गौसगंज क्षेत्र में गुरुवार को बड़ी मात्रा में भारतीय नोटों की कतरन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नोटों की कतरनें इतनी अधिक मात्रा में थी कि उनके जगह जगह ढेर लगे हुए थे। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो मौके पर भीड़ जुटने लगी। वहीं इतनी अधिक मात्रा में नोटों की कतरन देखकर लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। बताते चले कि गुरुवार यानी कि आज थाना कासिमपुर पुलिस चौकी गौसगंज क्षेत्र के छेदालाल महाविद्यालय के पास स्थित एक श्याम सिंहपुर प्रधान के बाग व सड़क के किनारे स्थानीय लोगों ने बड़ी मात्रा में नोटों की बारीक कतरन यानी भूसा के ढेर लगे देखे तो यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं थी कि इतनी मात्रा में नोटों की कतरन आखिर आई कहां से। खबर फैलते ही भीड़ जुटने लगी और उनमें से कुछ ग्रामीण नोटों की कतरने भरकर अपने अपने घर ले जाने लगे। नोटों की कतरने देखकर ही अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी मशीन से नोटों को काटा जा रहा है यानी कतरा गया है। हालांकि नोटों की मिली कतरन अवैध नोटों की है या वैध नोटों की जीवीएन 24 न्यूज चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। गौरतलब है कि थाना कासिमपुर पुलिस चौकी गौसगंज क्षेत्र के कस्बे में पूर्व में भी नकली नोटों सिक्को अवैध शस्त्र बनाने व गैर प्रांत की अवैध शराब बिक्री निर्माण तस्करी के कई मामले प्रकाश में आए हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में आज भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबरें मिलती रहती हैं। फिलहाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिली नोटों की कतरन के मामले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय व लखनऊ स्थित के क्षेत्रीय कार्यालय में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही ढेर जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24 न्यूज।